रसिका और मैं हूँ आराधना एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड जहाँ आपको मिलेगी बॉलीवुड की फुल अपडेट फ्लैशिंग न्यूज और जूसी गॉसिप यस एंड बिफोर वी बिगिन लेट्स हैव अ लुक एट द हेडलाइंस जॉन और प्रिया ने डिवोर्स की न्यूज पर लगाया फुल स्टॉप अरबाज और सुहेल उलिया को बुलाते हैं भाभी आलिया सिद्धार्थ साथ में स्पेंड कर रहे हैं क्वालिटी टाइम और अभिषेक बच्चन ने क्यों जोड़े सबके सामने हाथ मगर सबसे पहले आज की टॉप न्यूज पिछले कुछ समय से खबरें आ रही थी कि प्रिया और जॉन की मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है ओह यस और उनके डिवोर्स तक की न्यूज सामने आने लगी लेकिन अब इन्हीं न्यूज पर प्रिया और जॉन ने साथ आकर लगा दिया है फुल स्टॉप दैट्स नाइस जॉन प्रिया आए एक साथ मीडिया कैमरा के लिए इन दोनों ने किया पोज और ये विजुअल इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गया है कि प्रिया जॉन के बीच है सिर्फ प्यार प्यार और प्यार शादी के कई साल बाद ही सही जॉन ने यूं प्रिया के साथ मीडिया कैमरास के लिए पोज करके उन तमाम लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो जॉन के बीच प्रॉब्लम की बातें कर रहे थे जॉन अब्राहम अब तक अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम की खबरों पर कुछ नहीं बोल रहे थे लेकिन कल शाम प्रिया के साथ ढिशूम की स्क्रीनिंग पर पहुंचकर जॉन ने बिना कुछ कहे सबको जवाब दे दिया है यही नहीं जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए जॉन ने ये भी बताया कि प्रिया को ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है well, साफ है जॉन प्रिया ने यूं साथ आकर अपने रिश्ते को लेकर चल रहे रूमर पर फुल स्टॉप लगा दिया है फॉर ज्योति सिंह जूम मुंबई हाँ। अंदर की खबर सुनो बोलो आजकल सलमान खान की गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर को सलमान की फैमिली में कोई भाभी कहकर बुलाता है तो कोई बेटा ओह माय गॉड दोस्तों के बाद सोहेल और अरबाज भी यूलिया को भाभी बुलाने लगे मतलब सलमान की शादी की न्यूज सिर्फ रूमर्स नहीं है वेल लगता तो कुछ ऐसा ही है कि फाइनली सलमान कर सकते हैं शादी उलिया बन गई हैं अरबाज सोहेल की भाभी अर्पिता भी अब उलिया को बुलाती हैं भाभी जी हाँ खान फैमिली ने अनऑफिशियली ही सही उलिया को अपने घर का मेंबर बना लिया है जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेस से खबर मिली है कि खान फैमिली का हर एक मेंबर अब उलिया को अपने फैमिली का हिस्सा समझता है और शायद यही वजह है कि अरबाज से लेकर सोहेल और अर्पिता अब उलिया को भाभी कहकर बुलाने लगे हैं यही नहीं अब उलिया भी सलमान खान के हर एक फैमिली मेंबर का इस तरह ख्याल रखती हैं जैसे वो उनके अपने फैमिली मेंबर्स हों फैमिली तो फैमिली सलमान खान के स्टाफ तक का ख्याल उलिया इस हद तक रखने लगी हैं। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि उलिया ने सलमान खान की टीम के लगभग हर एक मेंबर को एक हाई एंड स्मार्टफोन गिफ्ट किया है साफ है उलिया सलमान खान की फैमिली से लेकर हर उस एक शख्स के करीब आ चुकी हैं, जिसे सलमान खान अपना मानते हैं। ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान की बैचलर लाइफ ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली ब्यूरो रिपोर्ट जूम मुंबई सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई मौका नहीं छोड़ते डोंट टेल मी फिर से वो हॉलिडे पे चले गए क्या वेल हॉलिडे पर जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा शायद इसीलिए साथ में वर्कआउट करके टाइम स्पेंड कर रहे सिद्धार्थ आलिया को एक साथ जिम के बाहर किया गया स्पॉट क्या आलिया सिद्धार्थ वर्कआउट भी करते हैं साथ साथ अब आलिया सिद्ध की ये लेटेस्ट पिक्चर्स तो कुछ यही कह रही हैं।
देख सकते हैं दोनों की ये पिक्चर्स उस वक्त की है जब दोनों वर्कआउट करके बाहर निकले थे और तभी वहाँ मौजूद पापराज़ी ने इन्हें कैप्चर कर लिया। यहाँ दोनों साथ काफी खुश लग रहे हैं। इनफैक्ट मीडिया कैमरास को देखकर इन्होंने स्माइल भी किया। वैसे रिसेंटली भी सिद्धार्थ आलिया एक साथ डिनर पर गए थे और तब भी दोनों को क्लिक कर लिया गया था। हालांकि मीडिया के सामने आलिया भट्ट खुद को सिंगल बताती हैं और वहीं पार्टीज में भी दोनों आजकल अलग अलग ही आते हुए देखे जाते हैं। ऐसे में मच इन लव सिड आलिया के साथ इन पिक्चर्स को देखने के बाद कहा जा सकता है कि इनका रिलेशनशिप स्टेटस भले ही कॉम्प्लिकेटेड हो लेकिन दोनों का वर्कआउट लव सेम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। अभिषेक बच्चन को सबके सामने हाथ जोड़ने पड़ गए। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया कि सबके सामने हाथ जोड़ने की नौबत आ गई? अब तुम गेस करो कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। स्टोरी। एग्जैक्टली। मुंबई की भीगी भीगी रातों में, मुंबई की तेज बरसातों में, क्यों जोड़ने पड़ गए अभिषेक बच्चन को हाथ? आखिर किसे देखकर अभिषेक यूं बार बार हाथ जोड़ रहे हैं? पहले आप कुछ और समझें, हम आपको बता देते हैं कि अभिषेक बच्चन यहाँ और किसी को देखकर नहीं बल्कि शटरबग्स के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। दरअसल अभिषेक बच्चन पहुँचे थे फिल्म ढिशूम की स्क्रीनिंग पर, जहाँ अभिषेक की पिक्चर्स क्लिक करने के लिए फोटोग्राफर्स उनकी गाड़ी के आगे खड़े हो गए। बस फिर क्या था, उन्हीं से हाथ जोड़कर सामने से हटने की गुजारिश कर रहे हैं अभिषेक। ढिशूम की स्क्रीनिंग पर अभिषेक के अलावा कई और स्टार्स भी पहुंचे थे, जैसे रणवीर सिंह, अनिल कपूर, परिणीति चोपड़ा, वरुण धवन, जॉन अब्राहम, सूरज पंचोली, आथिया शेट्टी और अक्षय कुमार। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्क्रीनिंग पर अक्षय के बेटे आरव भी मौजूद थे, लेकिन वो अपने डैडी डियर के साथ उनकी गाड़ी से नहीं बल्कि दूसरी कार से आए। और जिस तरह आरव यहाँ कैमरास के सामने कंफर्टेबल दिखे, उसे देखकर तो यही लगता है कि पापा अक्षय के स्टारडम को हैंडल करना आरव भी बखूबी सीख गए हैं। वेल, तो कुछ यूं रही ढिशूम की स्क्रीनिंग, जहाँ किसी स्टार ने फिल्म को लेकर तो कुछ नहीं कहा लेकिन अपनी प्रेजेंस से फिल्म को पूरा सपोर्ट किया। ज्योति सिंह, जूम मुंबई। तो संजय दत्त ने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्राइवेटली अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और उनके 56th बर्थडे पर वाइफ मान्यता दत्त ने संजू बाबा को दिया बहुत ही कीमती तोहफा। तुम मुझे ये बताओ कि वो कीमती तोहफा क्या था। तोहफा चेक इट आउट। संजय दत्त का 56th बर्थडे बन गया स्पेशल। मान्यता दत्त ने बना दिया संजू बाबा के इस बर्थडे को खास। वेल, आखिर मान्यता दत्त ने ऐसा क्या किया जो संजू बाबा के लिए उनका ये बर्थडे बन गया यादगार? आप यही सोच रहे हैं ना, तो आपको बता दें कि संजय दत्त की वाइफ मान्यता दत्त ने अपने हबी के इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए उन्हें गिफ्ट की ये लग्जरी कार। देखा आपने, संजू बाबा के घर के बाहर खड़ी ये व्हाइट कलर की कार है उनका बर्थडे प्रेजेंट। दरअसल संजू बाबा का जेल से बाहर आने के बाद ये पहला बर्थडे है और इसीलिए मान्यता दत्त उनके स्पेशल डे में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती थी। हालांकि आज उनके बर्थडे पर कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन या पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की गई है क्योंकि संजू बाबा क्वाइटली अपने फैमिली मेंबर्स और कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहते थे। लेकिन बावजूद इसके मान्यता दत्त ने उन्हें सरप्राइज करने के लिए तोहफे में ये कार दी एंड वी आर वेरी श्योर संजू बाबा मान्यता दत्त के इस गिफ्ट के बाद काफी खुश होंगे। ज्योति सिंह, जूम मुंबई। So the
लेटेस्ट इज रणबीर कपूर हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं रखने वाले। अरे लेकिन क्यों, रणबीर को तो पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है ना। इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें एक छोटे से ब्रेक के बाद दूंगी। गाइस कम राइट बैक। Welcome back after the break. मैं हूँ सागरिका और मैं हूँ आराधना। आराधना, yes. बहुत ही जल्द रणबीर कपूर का नया घर तैयार हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि रणबीर हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं रखेंगे। Wait a minute, क्या ये तुमसे खुद रणबीर ने कहा है? कोई शक? Of course, मुझे खुद रणबीर ने कहा है कि वो कोई पार्टी नहीं रखने वाले। क्या ये ब्रेकअप का गम है या कुछ और? रणबीर करते हैं पार्टी ऑल नाइट अपने दोस्तों के साथ। दिन रात पार्टी करना रणबीर कपूर की है फेवरेट हॉबी। लेकिन रणबीर अब अपने लाइफ के एक इम्पोर्टेंट मौके पर अपने फ्रेंड्स को नहीं देंगे पार्टी। जी हाँ, रणबीर कपूर के फ्रेंड्स जिस पार्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस पार्टी को रणबीर ने कर दिया है कैंसिल। दरअसल रणबीर कपूर आजकल अपने घर को रेनोवेट करवा रहे हैं और बहुत जल्द रणबीर कपूर के घर का रेनोवेशन कंप्लीट होने जा रहा है। ऐसे में रणबीर कपूर के फ्रेंड्स एक्सपेक्ट कर रहे थे रणबीर उनके लिए थ्रो करेंगे ग्रैंड पार्टी। लेकिन रणबीर ने अब ऑन कैमरा कह दिया है कि उनके घर नहीं होने वाली कोई हाउस वार्मिंग पार्टी। हाउस वार्मिंग तो मतलब अभी इतने घर हो गए मेरे पिछले साल तो, और हाउस वार्मिंग पार्टीज की नौबत ही रही। सुना आपने, रणबीर कपूर ने अपने घर हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं रखने का फैसला किया है। वेल, रणबीर के इस डिसीजन पर उनके पार्टी लविंग फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन होगा ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। जॉन अब्राहम ने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को कर दिया है टारगेट। लेकिन क्यों? क्योंकि जॉन को ऐसा लगता है कि बॉलीवुड स्टार्स अपने स्टारडम का सही यूज नहीं करते, जिससे लोगों को नुकसान होता है। मतलब कि जॉन ने सबके साथ ले लिया है डायरेक्ट पंगा। जॉन अब्राहम ने एसआरके पर साधा निशाना। हाउ सेलिब्रिटीज एंडोर्स एवरीथिंग फॉर मनी। जॉन ने सलमान और अक्षय पर भी किया तीखा कमेंट। एंड आई से दिस ऑन रिकॉर्ड, आई डोंट गो फॉर एनी मैरिजेस एंड ऑल द शोज एंड ऑल वे यू आई मीन आई डोंट डू ऑल दैट बिकॉज आई बिलीव दैट माय आर्ट इज माय रिलीजन, इट्स माय प्रोफेशन एंड इट्स सीक्रेट। And I think I'm meant to perform on the big screen and nowhere else. John यहाँ इतने serious हो गए कि वहाँ बात कर रहे शख्स को भी उन्होंने नहीं बख्शा और गुस्से में उन्हें तक सुना दिया। I do not endorse smoking. One second, sir, आप बात कर लो। आप कर लो ना बात। देखा आपने, जॉन ने तो सबकी बोलती बंद कर दी, खास करके उन बॉलीवुड स्टार्स की जो अकॉर्डिंग टू जॉन सिर्फ पैसों के लिए करते हैं एंडोर्समेंट। The thing is, and I understand how celebrities work, we endorse everything for money. But I have, in my entire career, I've never succumbed to that. John Abraham ne bina kisi superstar se dare, khul kar apni raay rakhi. इसीलिए इस इवेंट पर आए जॉन से जब एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या वो कभी कोई ऐसा ब्रांड एंडोर्स करेंगे जिसे वो खुद नहीं यूज करते, तो उन्होंने दे दिया तीखा जवाब। If I honestly use this brand, then I would endorse it. And I say this on record. I don't go for any marriages and all those shows and all where you. I mean, there are certain things that principally I don't do, even if I lose all the money in the world or I don't make money. So the same for brands. I will not endorse any cigarette brands, definitely. जॉन की ये बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन सच्ची भी हैं। और ये भी हो सकता है कि एसआरके से लेकर सलमान और बाकी बॉलीवुड स्टार्स को जॉन अब्राहम की ये बातें बुरी भी लग जाएं। लेकिन फिर जॉन ने बिना किसी के परवाह किए हुए ब्रांड एंडोर्समेंट को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया और ये भी साफ कर दिया कि वो सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करेंगे जिस पर वो खुद भी बिलीव करते हैं। संदेश अगाथे, जूम मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। फेमस
फेमस ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल क्रिकेटर ब्रेट ली बहुत जल्द सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। फिल्म अन इंडियन से सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखने वाले ब्रेट ली ने जूम को एक्सक्लूसिवली बताया अपनी फिल्म के बारे में। इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी ऑल सेट इन ऑस्ट्रेलिया, एन ऑस्ट्रेलियन फिल्म विद अ लॉट ऑफ बॉलीवुड फ्लेवर। माय कैरेक्टर विल फॉल्स इन लव थ्रू अ चांस मीटिंग विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ सुंदर लड़की, एंड इट टेक्स यू डाउन द जर्नी ऑफ लाइफ थ्रू द बाउंड्रीज ऑफ कल्चर, how to deal with cross-cultural relationships, and there's a lot of fun that's happening along the way as well. आपको बता दें, ब्रेट ली की ये फिल्म 5 अगस्त को इंडिया में रिलीज होगी और इस फिल्म में उनके साथ तनिष्ठा चैटर्जी भी नजर आएंगी। क्रिकेट ग्राउंड पर अपना जलवा दिखा चुके ब्रेट ली का कैमरे के साथ पुराना नाता रहा है। कई आर्ट फिल्म्स के अलावा आशा भोसले के फेमस सिंगल हाँ मैं तुम्हारा हूँ में ब्रेट ली नजर आ चुके हैं। ऐसे में ब्रेट ली की ये सेकंड इनिंग्स कितनी सक्सेसफुल रहती है ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद ही बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो प्लैनेट बॉलीवुड में। अब वक्त है विजुअल ऑफ द डे का और आज हम आपके लेकर आए हैं करीना कपूर खान के ये इंटरेस्टिंग विजुअल्स। हैव अ लुक। People, that's all for today. Hope you enjoyed today's episode. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more news at 7, only on Zoom. Turn on.